किस तरफ था मेरा कमरा? शायद यही मेरा कमरा है. मेरा कमरा है, मेरा बिस्तर है. आप ही क्या कर रही हैं? मुझे जो डांस सिखाती है ना सितु मास्टर, वो इस वक्त मेरे कमरे में है. इसे कहते हैं नहले पे दहला. मिस्टर कुंद्रा, आप अपनी डांस प्रैक्टिस बीच में छोड़ के वहां कैसे जा सकते? मुझे तो लगता है कि इनका डांस सीखने का मन ही नहीं है. इसे कहते हैं दहले पे इक्का. ट्रेन छूट रही है क्या प्राची? इतनी जल्दी जल्दी क्यों खा रही है? यार ट्रेन नहीं छूट रही है, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है. सुबह से सिर्फ दो मिमोसा पे जिंदा हूँ मैं. मिमोसा? मिमोसा मतलब शैंपेन विद ऑरेंज जूस. अब अगर तेरे सवाल खत्म हो गए तो मैं खा लूँ. बहुत भूख लग रही है मुझे, तो प्लीज डिस्टर्ब मत कर मुझे. तुझे पता है स्मिता, आज मेरे पूरे 10,000 रुपए खर्च हो गए, मेकअप में, कॉस्ट्यूम में, लगेज में. अगर इसी तरह मेरे खर्चे होते रहे ना तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी. 10 दिनों में मैं कंगाल हो जाऊंगी. तू मेरी बात मान प्राची, तू घर वापस लौट जा. तूने घर छोड़ के ना बहुत बड़ी गलती कर दी है. हाँ की है गलती, लेकिन घर छोड़ के नहीं बल्कि वहाँ रह के. सच में स्मिता, अगर मैंने वो घर पहले ही छोड़ दिया होता ना तो मैं तुझे इस घटिया सी जगह में बिठा के ये घटिया सी चाइनीज नहीं खिला रही होती, बल्कि एक आलीशान होटल में बिठा कर डिनर करा रही होती. मैं तो प्राची तुझसे अभी भी यही कहूंगी, तू घर वापस लौट जा और माफी मांग ले सबसे. अच्छा तू मुझे एक बात बता, तू मेरी दोस्त है कि मेरे घर वालों की? हाँ, जो तू मुझे उस घुटन भरी जिंदगी में वापस जाने के लिए सलाह दे रही है. हाँ, पर प्राची तू ऐसे कब तक और कहाँ रहेगी? अगले 10 दिनों में तेरी कोई लॉटरी तो लगने वाली है नहीं. तुझे तो लॉटरी लगने वाली नहीं, समझ ले लग गई. मतलब? हेलो मिस रानी, आई एम सो सॉरी, मैंने कि तुम्हें नींद से जगा तो नहीं दिया. ओह राजबीर, प्राची रानी की तो अभी सुबह हुई है, रात तो अभी जवान है. दैट्स इंटरेस्टिंग. सो एनीवे, इतनी रात को मेरी बेबी डॉल है कहाँ? कम ऑन बेबी, यू शुड नो मी बाय नाउ. मैं इस वक्त कहाँ हो सकती हूँ? कहाँ? एक हैपनिंग से नाइट क्लब के बाहर. और कहाँ? यहाँ कुछ चाइनीज डे का सेलिब्रेशन चल रहा है तो वही हूँ. It's going fun, you know. Wow. I hope तुम्हें बहुत मजा आ रहा होगा. Oh please, baby. ये तो सिर्फ नाम का Chinese Day celebration है. You should check the food out here. It's pathetic. क्यों baby? क्या हुआ? पता नहीं ये Indians कब Chinese बनाना सीखेंगे. लेकिन हम कुछ Indians ऐसे हैं जो काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं. If you don't mind, should I join you? Oh please, not today. Come on, baby. अच्छा. कोई अगर और साथ में तो ठीक है. आई वॉन्ट टू स्पेंड द टाइम विद माई सेल्फ टुडे. चलो ठीक है, यही सही. पर एक शर्त है, या तो तुम कल मेरे घर आ रही हो या फिर मैं तुम्हारे होटल आ जाऊं. नहीं नहीं नहीं, तुम क्यों होटल आओगे? मैं आती हूँ ना. ओके, सी यू देन टुमारो. बाय. चल, सी यू सून. बाय सुविधा. बाय. किसका फोन था? मेरे लॉटरी के टिकट का. मतलब ये मेरी जान कि मैंने सारी सेटिंग कर दी है और अगर मेरा सारा पासा सही पड़ गया ना तो मैं तुझे बहुत जल्द अपनी नई आलीशान बंगलों में एक आलीशान सी दावत दूंगी. अब बड़ी फिक्र हो रही है इन्हें मेरी. सिद्धि से फुर्सत मिल गई. अच्छा है, करते रहो फोन, मुझे नहीं रखना कोई रिश्ता इनसे. प्राची शायद अपने दोस्तों के साथ होगी, इसीलिए बार बार मेरा फोन कट कर रही है. उसकी तो ये पुरानी आदत है. आप चिंता मत कीजिए. चिंता करने के अलावा और हम कर भी क्या सकते हैं सविता? जवान लड़की घर छोड़कर चली गई. लड़कियां तो वैसे ही पराया धन होती हैं सविता, उन्हें एक न एक दिन अपने माँ बाप का घर छोड़ के जाना ही होता है. लेकिन प्राची इस तरह से घर छोड़ कर जाएगी,
मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हाँ, उसने एक ही पल में हम सबको पराया कर दिया, चली गई हम सबसे दूर। जब फल कड़वा निकलता है ना सविता, तो दोष हमेशा बीज को ही दिया जाता है। आज प्राची जैसी भी है, उसके जिम्मेदार हम दोनों हैं सविता। शायद हम कभी उसकी जरूरतों को समझ ही नहीं पाए। बाबा, प्राची को हमेशा से जरूरत से ज्यादा ही चाहिए था। उसे तो हर हाल में सबसे आगे जाना था, और इसलिए वो ताई से भी जलती थी। आई, तू तो जानती थी ना सब, तूने तो देखा था ना प्राची को, ताई की हर चीज पर अपना हक जमाते। अरे, उसे शर्म आती थी हम सबको अपना परिवार कहते हुए। हाँ बाबा, आप किस परवरिश की बात कर रहे हो? जहाँ तक मुझे याद है, आप दोनों ने, हम तीनों में कभी भी भेदभाव नहीं किया। जहाँ मैं और सिद्धि ताई एक जैसे हैं, तो प्राची अलग क्यों? क्योंकि प्राची को हमेशा से ही अपने आगे और कोई नजर नहीं आता था, और ना आएगा। अद्वैत, अपनी औलाद के लिए माँ बाप ही जिम्मेदार होते हैं। औलाद भले ही माता पिता को छोड़ दे, लेकिन माता पिता कभी अपनी औलाद को नहीं छोड़ते। भले ही बच्चा हमको छोड़ दे, तो प्राची की चिंता तो हम दोनों को होगी ही सही बेटे। गणपति बप्पा, हमारी दोनों बेटियों का ख्याल रखना, वो दोनों हमसे दूर है, तो आप उनके साथ रहना। पंद्रह मिनट हो गए, ये मिस्टर कुंद्रा है कहाँ पर? सुनिए, वो मिस्टर कुंद्रा कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो अपने रूम में होंगे ना ऊपर, तो आप आवाज देंगे तो आ जाएंगे। मिस्टर कुंद्रा, मिस्टर कुंद्रा, मिस्टर कुंद्रा, ये क्या बदतमीजी है मिस्टर कुंद्रा? वो क्या है ना मास्टर नहीं, कल मेरी कोई गलती ना होने के बावजूद आपने मुझसे माफी मंगवाई, तो मैंने सोचा कि कोई तो गलती कर ली जाए। माफी का क्या, वो तो मांगे लेनी है। आज न छोड़ूंगा तुझे दम दम दम। ये विन कुंद्रा अपने आप को समझता क्या है? ये विन कुंद्रा ना इतना पैसे वाला है, लेकिन दो कौड़ी की अकल नहीं, जानवर है, एकदम जंगली जानवर। लेकिन मुझे भी ऐसे जंगली जानवरों को काबू करना अच्छे से आता है। मिस्टर कुंद्रा, ये क्या बेहुदा हरकत है? हाँ, समझते क्या है आप अपने आप को? मैं क्या कर रहा हूँ? आप बताओ कि आप क्या कर रहे हो? एक तो आप बिना नॉक किए मेरे रूम में आ गए, पहले खुद गिरे और मुझे भी अपने ऊपर गिरा दिया, और मुझे कह रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ? कमाल है मास्टर। उठिए मेरे ऊपर से। उठ जाऊंगा, पहले ये बताइए कि आप मेरे कमरे में किस लिए आई? हटिए मिस्टर कुंद्रा। क्या मास्टरनी, कितना चांस मारोगे आप मुझ पे? चुप कीजिए मिस्टर कुंद्रा, लगता है आपके दिमाग का और जुबान का कनेक्शन ना कट गया है,
इसलिए कुछ भी बकवास किए जा रहे हैं। और वैसे आप जैसा सोच रहे हैं ना वैसा कुछ भी नहीं, तो ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिए। मैं स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ मास्टर, नहीं, क्योंकि मैं स्मार्ट हूँ। अपनी बकवास बंद कीजिए और छोड़िए मेरा दुपट्टा। क्या कर रहे हैं आप? अब मैंने क्या कर दिया? आपके दिमाग में जो कूड़ा भरा हुआ है ना, मुझे अच्छे से साफ करना आता है। छोड़िए मेरा दुपट्टा। छोड़ता हूँ। और 10 मिनट में तैयार होके नीचे गार्डन में मिलिए। मुझे लगा था मिस्टर कुंद्रा कि आप अपनी सच्चाई से वाकिफ नहीं, लेकिन मैं गलत थी। आप तो अपनी सच्चाई को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, इसीलिए अपनी कालिक लगी हुई तस्वीर आपने अपने रूम में सजा कर रखी हुई है। गुड, वेरी गुड। मेरी सच्चाई तो छोड़िए, मुझे तो आपकी सच्चाई पता है। मतलब ये कि अभी तो आपने बोला कि दिमाग में से कूड़े को बहुत आसानी से साफ कर सकती हैं आप, नहीं क्या कोई और सच्चाई है आपकी जो मुझे पता होनी चाहिए? खैर छोड़िए, जाते जाते मेरे एक काम कर दीजिए। एक मिनट, ये नैपकिन लीजिए और मेरे स्टैंडी को साफ कर दीजिए। क्यों? वो इसलिए मास्टर नहीं, जिस दिन मेरी फिल्म का मुहूर्त था ना, उस दिन एक लालची लड़की ने चंद पैसों के लालच के लिए मेरे खिलाफ झूठा केस रजिस्टर करवा दिया था, और तब से मेरे मुंह पे ये कालिक लगी हुई है। मुंह तो आपका भी काला हो चुका है। तो आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा जब मुंह पे कालिक लगती है तो कैसा महसूस होता है। ये लीजिए और कृपा करके वो दाग मिटा दीजिए। अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला दूं मिस्टर कुंद्रा कि मैं यहां आपको डांस सिखाने के लिए आई, ना कि आपके चेहरे से कालिक पोंछने। क्या मास्टर ने? मैंने पहले भी बोला था ना कि बादाम खाया कीजिए, अच्छे होते हैं दिमाग के लिए। गुरु अगर शिष्य का चेहरा साफ नहीं करेगा तो कौन करेगा बताइए। और गौरी भाभी ने भी तो कहा था कि जो गुरु का दर्जा होता है वो माँ बाप से भी बढ़कर होता है। तो मेरी बात मानिए, नैपकिन लीजिए और जाके दाग साफ कीजिए। चाहिए ना, प्लीज। मैं ये दाग साफ नहीं करूंगी मिस्टर कुंद्रा। 10 मिनट में तैयार होके नीचे मिलिए। मास्टर नहीं, अगर आपने दाग साफ नहीं किए तो डांस क्लास भी नहीं होगी, और पहले ही आपने मेरे बहुत दिन वेस्ट कर दिए हैं। क्या बाकी के 9 दिन भी ऐसे वेस्ट करेंगे आप? और 3 लाख रुपए आपने इसी चीज के लिए हैं? तो ये लीजिए नैपकिन और स्टैंडी साफ कीजिए।
ठीक है। कुछ दाग अच्छे से जानते हैं मिस्टर कुंद्रा कि उनकी सही जगह कहां पर होती है। नहीं मास्टर नहीं, कुछ दाग ऐसे होते हैं जिन्हें मिटाने के लिए ना मेहनत करनी पड़ती है। कीजिए कोशिश कीजिए, साफ हो जाएंगे। कुछ दाग मिटाने के लिए कुछ खास करना पड़ता है मिस्टर कुंद्रा, और मैंने आपके चेहरे से ये दाग मिटा दिया है। ये क्या किया मिस्टर कुंद्रा आपने? आपने तो खुद को ही चोट पहुंचा ली। ऐसे भी कोई करता है क्या भला? वैसे मुझे तो लगता है ये चोट आपने ना अपने आप को गुस्से में लगाई है। आपको इतना बुरा लगा जब मैंने आपकी तस्वीर के ऊपर थूका कि आपने खुद को जख्म दे दिया। वैसे तब नहीं सोचा जब आपने मेरे ऊपर पानी थूका था? आपके ताऊजी क्या कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। और ये जो कहावत है ना, ये आपके ऊपर बहुत अच्छे से लागू होती है मिस्टर कुंद्रा। लगता है आपको भाषण देने का बहुत शौक है मास्टर नी। शौक नहीं है मिस्टर कुंद्रा, मजबूरी है। मजबूरी वो क्या है ना, कुछ लोगों के पास पैसे तो बहुत होते हैं लेकिन तमीज तो कौड़ी की नहीं होती। और ऐसे लोगों को तमीज सिखाना ना मुझे बहुत अच्छे से आता है। हाँ, सिखाने से मुझे याद आया, मुझे तो आपको डांस भी सिखाना है। वो क्या है ना कि आप मुझे 10 दिन के 3 लाख रुपए दे रहे हैं, यानी कि 1 दिन का पूरे 30,000 रुपए। और अगर मैंने आपको डांस नहीं सिखाया तो आपके 30,000 रुपए बर्बाद हो जाएंगे। तो मैं तो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। तो फिर चलिए तैयार होके गार्डन एरिया में आ जाइए और हम अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। 10 मिनट।
आप चिंता ना करें मास्टर नी, कमी तो मेरी तरफ से भी नहीं होगी। इस निशान से दुगना निशान लगाऊंगा इस बोर्ड पे, वो भी आपके खून से। ये मेरा वादा है खुद से।